सुना फर्स्ट क्लास अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। ये जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें वो डिपेंड, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे वो होंगे नंबर ऑफ एटम्स। हमने दो लेक्चर में दे चुका हूँ जिस पर हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन किया था। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया था, मास इन ग्राम डिटरमाइन किया था विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स। आज हम डिटरमाइन करेंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों और नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से आप किसी के नंबर ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल किस तरीके से डिटरमाइन करोगे। तो आज जो हमारा प्रॉब्लम है वे नंबर ऑफ एटम्स। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस गिवन, अगर वो गिवन हो देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर आयंस, उनके आयंस मॉलिक्यूल्स और उसके अलावा एटम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन टू मोल्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम कार्बन के दो मोल उठा रहे हैं तो दो मोल के लिहाज से इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। समझो इसका एग्जांपल ऐसे ही कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम कार्बन के दो मोल यूज़ कर रहे हैं, टू मोल ऑफ कार्बन, माना 24 ग्राम होंगे इसके, माना इसके अंदर कितने ग्राम डाल रहे हैं, 24 ग्राम डाल रहे हैं टू मोल के लिहाज से इसके अंदर डाल रहे हैं कंटेनर के अंदर। और पूछ रहा है कि इनके अंदर इसके एटम्स कितने होंगे कार्बन के, ये वाले एटम्स हैं, इस दो मोल में इसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स होंगे, माना कार्बन एटम्स हमें काउंट करना है कि ये जो इसके अगर हम 24 ग्राम या दो मोल्स उठा रहे हैं तो दो मोल के लिहाज से इसके अंदर कार्बन के एटम कितने होंगे, कार्बन के एटम कितने होंगे, ये इसके एटम हैं जो ये यहाँ मैं थोड़े से शो कर रहा हूँ, ये सर्कल जो फॉर्म में लिख रहा हूँ ये समझो कि एटम है। कह रहा है कि कार्बन के इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा, हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वी यूज़ द फार्मूला डेट। तो इसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस, पहले जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, माना 6.02×10^23 एटम्स। ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे, माना अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स किसी भी सब्सटेंस के डिटरमाइन करने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 6.02×10^23 एटम्स। ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर मैंने कार्बन का डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो कार्बन का किस तरीके से करेंगे अभी देखेंगे। फर्स्ट राइट डाउन द डेटा, ये जो नीचे ना मैंने फार्मूला लिखा है ये यूज़ होगा। तो फर्स्ट वी मैक द डेटा, कौन सी डेटा मिली हुई है,
डेटा में क्या लिखा हुआ है, पहले हमें करना है कि क्या चीज दी गई, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन वो कितने हैं, 2 मोल्स है। इसके अलावा हमें क्या चीज डिटरमाइन करनी है, सिंपल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन वो डिटरमाइन करना है। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला लिखने जो नीचे लिखा है हम इसको बना रहे हैं अभी। तो टू डिटरमाइन द या टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स वी यूज गिवन फार्मूला, फार्मूला कौन सा होगा, फार्मूला होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 6.0 2×10^23 एटम्स। अगर एटम मालूम करें तो एटम, अगर मालिक्यूल मालूम करेंगे तो मालिक्यूल्स, अगर हम आयंस मालूम करेंगे तो आयंस लिखेंगे। तो अभी मुझे पुटिंग द वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने, 2 मोल्स है। वी सिंपली पुट दैट 2×6.02×10^23 एटम्स। यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इसको ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन वो बराबर आएगा, ये होगा 4×0.04×10^23 एटम्स है। इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से लिखेंगे, ये भी जॉब इसका सही है। कितने इसके एटम होंगे, 2 मोल में, 2 मोल के अंदर इसके अंदर एटम होंगे 12.04×10^23 एटम्स है। इसके अंदर इतने एटम्स होंगे इसके कार्बन के, अगर आप कार्बन के 2 मोल उठा रहे हो या इसके 24 ग्राम उठा रहे हो कार्बन के, तो कार्बन के 2 मोल में इसके अंदर जो छोटे छोटे इसके कार्बन के पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 12.06×10^23 एटम्स से इतनी तादाद में इसके अंदर ये एटम मौजूद होंगे। ये तो हमने किस के लिहाज से कर लिया, एटम के लिहाज से। मैंने ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, अगर इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस गिवन, अगर आपको नंबर ऑफ सब्सटेंस ऑफ गिवन क्या मोल्स गिवन हो तो वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ये स्टेप हम यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करें, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिटरमाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ किसके लिहाज से होगा, अगर आपको एटम दे रहा है, एटम के मोल्स दे रहा है, तो मोल्स के उनके एटम डिटरमाइन करने के लिहाज से आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको मालिक्यूल्स दे रहा, अगर आपको मालिक्यूल्स डिटरमाइन करें, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसको किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल्स ऑफ मीथेन। और मीथेन पता है कि मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, कह रहे हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3 मोल्स ऑफ मीथेन। मीथेन के 3 मोल्स में इनके मालिक्यूल कितने होंगे, इनके मालिक्यूल कितने होंगे, तो हमें वो डिटरमाइन करने हैं। तो वो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे,
वी यूज दैट फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगेंगे, नंबर ऑफ मालिकुल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.0 टू 10 पावर 23 मालिकुल्स। फर्स्ट वी राइट डाउन द डेटा, हम पहले इसकी डेटा लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके दिए गए मीथेन, कितने दिए गए, 3 मोल्स दिए गए, नंबर ऑफ एटम्स यहां पे लगेंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन वो कितने होंगे, वो डिटरमाइन करने। इसका मकसद ये कि ये गैस मीथेन ऐसे समझ के कार्बन के साथ ये इसके मालिकों ने सपोज कार्बन के ये मीथेन के फॉर्मेशन है, कह रहा है कि ये मीथेन के CH4 ये वाले मालिकों इसके अंदर कितने होंगे, अगर हम कितने उठा रहे हैं इसके मोल, 3 मोल्स उठा रहे हैं, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि CH4 के मालिक्यूल से मालिक्यूल्स इसके अंदर कितने होंगे, अगर आप मीथेन के 3 मोल उठा रहे हो, कितने उठा रहे हो, 3 मोल, कह रहा है कि ये जो मालिक्यूल CH4 इसके अंदर कितने होंगे, अगर हम कितने इसके मोल उठा रहे हैं, 3 मोल उठा रहे हैं, तो वो सिंपली सॉल्यूशन बाय यूजिंग फार्मूला, हम फार्मूला यूज करेंगे, अभी फार्मूला हमने लिखा है, अभी क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, तो यहाँ पर लगे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मीथेन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स किसके मोल से, मीथेन के मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यहां पर लगेंगे 6.02 × 10²³ मालिक्यूल्स, ये हम यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। नाउ सिंपली पुटिंग द वैल्यू, देन वी काउंट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, हाउ मच नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डेट कंटेन इफ वी टेक इन द 3 मोल्स ऑफ मीथेन, इस कंटेनर के अंदर कितने मालिक्यूल्स होंगे अगर इसके 3 मोल, वो हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हेयर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10²³, यहां पे मालिक्यूल्स लाजमी लिख रहे हैं ऐसे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मीथेन आगे सेम होगा, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मीथेन ये होगा 6.018 × 10²³ मालिक्यूल्स, क्या कह रहा है कि 18.06 × 10²³ मालिक्यूल्स इसके अंदर होंगे, अगर इसके कितने मोल्स उठाएंगे, 3 मोल्स उठाएंगे, किसके, हम उठाएंगे मीथेन गैस के, तो मीथेन गैस के अंदर इतने मालिक्यूल्स होंगे अगर आप इसके 3 मोल्स उठा रहे हो, तो ये हमने क्या डिटरमाइन किया, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिटरमाइन किया, किसके मालिक्यूल डिटरमाइन किए, मीथेन के। अभी मैं दूसरा कर रहा हूं जिसमें हम आयंस डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस
in five moles of sodium ion. कह रहे हैं कि अगर सोडियम आयन हम उठा रहे हैं तो सोडियम आयन के फाइव मोल्स हम उठा रहे हैं तो इसके अंदर आयंस कितने होंगे? ये ऐसे ही इसको मिटा लूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि अगर हम सोडियम आयन उठा रहे हैं ऐसे ही, ये सोडियम आयन, सोडियम 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 सोडियम, तो कह रहा है अगर इसके फाइव मोल्स हम उठा रहे हैं किसके? सोडियम के, तो बताओ कि इसके अंदर ये आयंस कितने होंगे, वो हमें डिटरमाइन करना है। इसके अंदर आयंस कितने होंगे अगर इसके पांच मोल्स हम उठा रहे हैं? तो सिंपली फर्स्ट मेकिंग द डेटा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन, वो बराबर होंगे फाइव मोल्स। हमें क्या डिटरमाइन करना है? नंबर ऑफ आइंस ऑफ सोडियम, ये डिटरमाइन करने हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला होगा सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ आइंस ऑफ सोडियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10²³ आयंस। इधर आपको लाजमी आयंस लिखना है। एटम के लिहाज से लिखोगे एटम, मालिक्यूल के लिहाज से लिखोगे मालिक्यूल्स, और आयंस के लिहाज से लिखोगे आयंस। ये आपको लाजमी लिखने हैं। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन, कितने है? वो है फाइव मोल्स। फाइव मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10²³। इसको मल्टीप्लाई करें 10³ आयंस। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, किधर करोगे तो ये 3.10, इसको ऐसे लिख सकते हो, आर 3.10 × 10²² आयंस। ये भी सही है, ये एमसीक्यू में दे देते हैं कभी, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ आयंस होंगे सोडियम के, ये दोनों लेस कह सकते हो 30.10 × 10²³ आयंस, 3.10 × 10²² आयंस। ये इसके अंदर आयंस होंगे। ये हमने क्या डिटरमाइन किया? आज हमने डिटरमाइन किया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो किसके? एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आयंस के। हम उनके हम क्या डिटरमाइन करेंगे? एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो मैंने हर किसी के लिए अलग अलग प्रॉब्लम करवाया और आपको भी इस तरीके से करना है। अगर आपको मास एंड ग्राम मिला हुआ है तो मास एंड ग्राम को चेंज करोगे नंबर ऑफ मोल्स में, किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करके फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो आपको घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। राइट डाउन हरिया, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मास इन ग्राम, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नंबर ऑफ आयंस इज गिवन। ये थोड़ी डिफिकल्ट है तो मैं आज नहीं करा रहा, ये हम इसके लिए अलग लेक्चर रखेंगे। तो आज हमारे सिंपल टॉपिक थी इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन
How can we calculate the number of atoms, molecules or ions? Simple ये topic थी. तो आप इसके में रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप घर में इनकी प्रैक्टिस करना करना कि जो आप निकल रहे हैं नहीं निकल रहे. फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉलोइंग. मैं दे रहा हूँ इसके फर्स्ट दे रहा हूँ 1.6 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, दूसरा 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, ये दो मैंने दिए. दूसरे पार्ट में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग, पहला इसका प्रॉब्लम. अच्छा इसका ए लिखो, इसको बी लिखो, इसको ए 24 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 24 ग्राम, 20 ग्राम को नंबर हम उसमें चेंज करोगे. बी में 4.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने दिए मालिक्यूल्स के लिहाज से. तीसरे करो, तीसरे आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ द फॉलोइंग, ए में करेंगे 3.6 मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन, 50 ग्राम ऑफ, अब इस ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करोगे आप क्लोरीन आयन से, तो आपको इस ग्राम को चेंज करा नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपको कितने प्रॉब्लम मिल गए, एक पार्ट में दो, दो इसमें दो, चार, चार और दो, छः प्रॉब्लम. ये आपको 6 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में इनके मैं आपको जवाब बताऊंगा कि इनके जवाब ये होंगे, तो आप इनको अच्छी तरह घर में करना, ये प्रैक्टिस करना. अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको दिक्कत हो रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जो हम न्यूमेरिकल अभी करें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 70% आप कह सकते हो कि इसमें होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, बाकी आप 30% इसकी पढ़ोगे थ्योरी, तो उसकी न्यूमेरिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आएंगे. ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप कराता जा रहा हूँ, आप इसको घर में इनकी प्रैक्टिस करते जाओ. इसके बाद होगी मास इन ग्राम, लास्ट टॉपिक हो गई न्यूमेरिकल के लिहाज से मोल पर. हम उसके बाद करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हम कुछ स्टोचमेट्री वाले प्रॉब्लम करेंगे, स्टोकेमिस्ट्री वाले हम प्रॉब्लम करेंगे, एम्पिरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो उस पर भी ये यूज़ होंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये वाले.